प्रदेश की ग्राम पंचायतों में जिला परिषद सदस्यों की विकास निधि पर कटौती किए जाने के साथ ही शक्तियों पर डाका डालने पर जिला परिषद सदस्यों में मलाल बना हुआ है और हमीरपुर में आयोजित जिला परिषद की बैठक के दौरान पहुंचे पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर के सामने भी जिला परिषद सदस्यों ने सदस्यों को मिलने वाले फंड को बहाल करने के लिए गुहार लगाई है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि 4वें वित्त आयोग में आए हुए पैसे को 90 दिनों के अंदर खर्च किया जाएगा। इसके लिए विकास खंडों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान निकाला जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि विकासात्मक कार्यों में जो भी रुकावटें आ रही हैं, उनके समाधान के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो 14वां वित्त आयोग में जितना भी धन आया है, जो खर्च नहीं हो रहा है, मैंने कहा कि हम इन 90 दिनों के अंदर हम उसको पूरी तरह से जो है वो खर्च करेंगे। चाहे हमें जो है वो विकास खंड स्तर के ऊपर जाकर के जो है वो अधिकारियों के साथ बैठना पड़े, जनप्रतिनिधियों के पास साथ बैठना पड़े, जो उनकी समस्याएं हैं जिनके कारण उस पैसे का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, हम उसका समाधान निकालेंगे, मिलजुल करके जो है वो गांव की ओर हम बढ़ेंगे, ये मेरा मानना है। जिला परिषद सदस्यों की शक्ति की कटौती पर भी सम्मेलन में कई सदस्यों ने आवाज बुलंद करते हुए शक्तियों को लौटाने के साथ साथ वित्तीय शक्तियां पुनः बहाल करने की मांग की। जिला परिषद सदस्य अरविंद कौर ने कहा कि इन शक्तियों की रुकावट से जिला परिषद सदस्य खुद को ठगा सा महसूस करते हैं और लोगों की आशाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि जिला परिषद सदस्यों के पास कोई भी बजट नहीं आ रहा है। जिला परिषद वालों को फंड मिलने चाहिए तो मैं ये चाहूंगी कि हमें जैसे पहले मिलता था 50%, ये भी मैं कहूंगी कि इस राज में या किस राज में, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि पिछली सरकार में भी, राजा वीरभद्र सिंह की सरकार में भी हमें फंड मिलते रहे और हमने 20-20 लाख हमें एक एक बार में मिला, लेकिन इस बार हमें 8 लाख रुपया मिला है फंड के लिए। और किसी को भी हमें किसी काम के लिए कोई पैसा देना पड़े तो हम बड़ा सोच समझकर कहीं 50,000 या 20,000 ऐसे करके हम पैसा देते हैं। तो मेरी ये मांग रहेगी कि यदि 12वें 13वें वित्त योग में तो हमें पैसा मिलता रहा, लेकिन 14वें वित्त योग में हमें पैसा नहीं मिला है, तो हमारी ये आपसे गुजारिश रहेगी, चाहे किसी तरफ से भी, चाहे प्रदेश सरकार हमें फंड दे, क्योंकि हम जिला परिषद के मेंबर जीत कर आए हैं, तो हमें इग्नोर करना भी मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। सारा पैसा जो है प्रधान ही खर्च करते हैं, चाहे एमपी दे, चाहे एमएलए दे या कोई भी दे, लेकिन पैसा जो वो प्रधान ही खर्च करता है, इससे हमें अपनी थोड़ा सा तोहीन समझते हैं हम अपनी जिला परिषद के मेंबर होने के नाते, तो प्लीज इसको जरूर किया जाए। जितने भी आईआरडीपी के बीच में लोग डाले गए हैं उनके जो कार्ड थे वो न्यू होने थे लगभग 2-3 साल पहले वो नहीं हुए, उनको जब हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उनके पास कोई साधन नहीं है, उनको पैसा खर्च करने पड़ रहा है। महोदय, इसके लिए आप इसके लिए आज ही कैबिनेट के बीच में पास कराइए। अगर कार्ड बनने में देरी है तो उसके लिए पंचायत और वीडियो के माध्यम से उन्हें आईआरडीपी सर्टिफिकेट देकर हॉस्पिटल में इलाज फ्री करवा सके। इसके अलावा थोड़ा सा बच्चा पैदा होता है, जाना सभी ने है, शमशान घाट के लिए डेड बॉडी लगाई जा रही है और वो पानी के बीच में बह रही है। महोदय, आप उपायुक्त महोदय के माध्यम से 5 मरले हर शमशान घाट के लिए जमीन जहां पर सरकारी पर्चियां वापस लाई जाए, आपका धन्यवाद होगा।